आज हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर क्लास। ठीक है, इसके अंदर क्लास क्या है बेसिकली, हमें यूज़र इनपुट कुछ भी बनाना है तो हम इसके अंदर क्लास का यूज़ करके उसको इजीली बना सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी जावा के प्रोग्राम्स किए हैं उसमें कभी पे भी यूज़र इनपुट नहीं लिया, खुद ही एक वैल्यू अज्यूम करिए। बट आज मैं आपको जो बताऊंगी उसके बाद आप यूज़र से इनपुट लेकर इजीली कर पाओगे, तो हम उसके लिए देख लेते हैं। सिंपल मैं समझाती हूँ। देखो, इसके अंदर क्लास जो है, अभी तक हमने जावा में कोई भी पैकेज इंपोर्ट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ लैंच पैकेज में था, जो बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट होता है। बट कुछ भी करना होता है जावा में तो हम पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं एक पैकेज इंपोर्ट, मैं आपको दिखा देती हूँ। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। अभी तक मैंने कोई भी प्रोग्राम में कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया था तो फर्स्ट टाइम आपको न्यू लगेगा। बट जावा में अब जो भी कुछ हम वर्क करते हैं, जैसे लैंच पैकेज में होता है, अभी तक हमने जो भी काम किया है, अब कैसे करना है इसको, इंपोर्ट स्टेटमेंट लगाना होता है कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए। फिर लगाते हैं हम पैकेज, फिर लगाते हैं सब पैकेज, और फिर लगाते हैं क्लास। इंपोर्ट स्टेटमेंट है, ये क्या है स्टेटमेंट, ये क्या है जावा पैकेज, और यूटिल क्या है सब पैकेज, और स्कैनर क्या है क्लास। इस बात को थोड़ा सा प्लीज ध्यान से समझिएगा। स्टेटमेंट है इंपोर्ट स्टेटमेंट बोलेंगे इसे। जावा एक पैकेज है, यूटिल एक सब पैकेज है, स्कैनर एक क्लास है। ठीक है, मैंने नीचे बिल्कुल एज इट इज लिख दिया, आप देख सकते हो। बेसिकली क्या है, जो आपका पैकेज सब पैकेज, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप ये समझ लीजिए, आपने एक फोल्डर क्रिएट किया, फिर फोल्डर के अंदर हमने एक फोल्डर क्रिएट किया। ठीक है, जैसे लाइक आप देख सकते हो जावा लर्न एक फोल्डर है। सी ड्राइव में देखो जावा के और भी फोल्डर हैं, तो मान लो ये एक फोल्डर हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर तो मैंने कोई फोल्डर बना नहीं रखा, लेकिन आप समझ लो जैसे इसके अंदर ये फोल्डर होता तो ये क्या हो गया, उसके अंदर तो एक पैकेज, एक फोल्डर, फिर उसके अंदर उसका सब फोल्डर यानी कि एक और फोल्डर, फिर उसके अंदर क्लास, तो ये मान लो ये सब क्या है क्लासेस। तो एक तरह से जैसे हम रखते हैं ना, एक मेन कंटेनर, फिर उसके अंदर सब कंटेनर, फिर उसके अंदर क्लास, तो वैसे ही है ये। तो इस तरीके से फोल्डर के अंदर हम क्या क्रिएट करते हैं, सब फोल्डर। आप उस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, जैसे एमएस ऑफिस नाम का आपने एक फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर आपने एक फोल्डर बनाया वर्ड नाम से, एक फोल्डर बनाया एक्सेल नाम से, एक फोल्डर बनाया पावर पॉइंट नाम से। समझ गए होगे आप मेरी बात। अब इसके अंदर आप क्या बनाओगे, फाइल। तो आप ये समझो ये क्या है, एक पैकेज जैसे जावा, ये यूटिल जैसे कि एक सब पैकेज, और ये एक क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से हम काम करना है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब ठीक है, इसको मैं करती हूँ मिनिमाइज। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, अगेन इसको लिख दिया मैंने यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब सिंपल, अभी आप एक दो प्रोग्राम करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये हमने लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे कोई भी क्लास बनानी है किसी भी नाम से, तो हम क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम रख सकते हैं स्कैनर टेस्ट। फिर उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर जाने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसमें कोई भी मेन मेथड, मतलब मेन मेथड बनाएंगे, फिर इसके अंदर हम कोई भी एक प्रोग्राम करके देखेंगे। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, फिर एरे। ये तो सिंपल है, आप जानते हो इसको। अब हमें क्या करना है, जो स्कैनर क्लास है यहाँ पे, देखो ये क्लास कौन सी क्लास होती है, ये वो क्लास होती है जो हम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड, और ये क्लास पहले से बनी हुई है, ये इसको बोलते हैं प्री डिफाइंड। ठीक है, तो अब हम प्री डिफाइंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हम आज तक बनाते हैं। तो स्कैनर ओ बी जे इक्वल टू न्यू स्कैनर। अब जो यूजर से इनपुट लेना है सिस्टम से आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे पास कर देंगे सिस्टम डॉट इन इनपुट लेने के लिए। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये प्री डिफाइंड क्लास है। आपने आज तक यूजर डिफाइंड क्लास के ऑब्जेक्ट तो बनाए हैं, प्री डिफाइंड क्लास लेंगे,
प्रीडिफाइंड क्लास लेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू, उसके है ना सिस्टम डॉट इन। अब हम क्या करेंगे, कुछ भी प्रिंट करेंगे यूज़र से इनपुट बेस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मैंने लिखा क्योंकि मैं आपको बता दूं बाय डिफ़ॉल्ट हम जो भी इनपुट करते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। एंटर अ नंबर, सॉरी एंटर योर नेम, उसके बाद स्ट्रिंग नेम लेंगे। देखो ये एक वेरिएबल है, ये आप कुछ भी ले सकते हो, नेम ले लो एन ले लो कोई फ़र्क नहीं है। अब हमें क्या करना है, देखो क्लास तो यूज़ कर ली लेकिन आपको पता है ना हम क्लास के मेथड को कॉल करेंगे, तो ओबीजे डॉट, अब इसका जो मेथड है उसका नाम क्या है, नेक्स्ट, ठीक है, उसको यूज़ करेंगे यूज़र से इनपुट। अब इसको प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अभी मैं इसको एक बार बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, यहाँ प्रिंट कर देंगे योर नेम इज प्लस नेम, इसको सेव करेंगे। सेव किस नाम से करेंगे, जिस नाम से आपने क्लास बनाई है ना, मेरी क्लास का नाम क्या है, स्कैनर टेस्ट डॉट जावा ऑल फाइल्स सेव। अब इसको दोबारा से समझ लेते हैं, आपने क्या करना है, एक क्लास जो प्री डिफाइंड है उसको आपको डिफाइन करना है कि आप इस क्लास को यूज़ कर रहे हो। जैसे अगर आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें हम हेडर फाइल लगाते हैं हैश इंक्लूड stdio डॉट h, ठीक है, सी प्लस प्लस में भी लगाते हैं, डॉट नेट में भी लगाते हैं, ठीक है, नेम स्पेस को इम्पोर्ट करते हैं, उसी तरीके से जावा में करते हैं, इम्पोर्ट जावा क्लास, उसके अंदर जावा पैकेज, सॉरी उसके अंदर सब पैकेज यूटिल, और फिर उसके अंदर क्लास। तो ये प्री डिफाइंड है, ध्यान रखना है आपको यहाँ पर स्कैनर नाम से क्लास नहीं बनानी, अलग नाम से बनानी है, इसलिए मैंने क्या कर दिया स्कैनर टेस्ट। तो क्लास के का नाम क्या रखा, स्कैनर टेस्ट, फिर मेन में आ गए। अब ये प्री डिफाइंड क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो कुछ भी लिख सकते हैं, एस लिख लो सी लिख लो, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, आप जो इनपुट ले रहे हो किससे ले रहे हो, सिस्टम से। अब एंटर योर नेम, ये तो आपने एक मैसेज दिया तो आप जानते ही हो। अब इस क्लास के अंदर पहले से ही एक मेथड है जिसका नाम क्या है, नेक्स्ट, प्री डिफाइंड मेथड, तो आप इसको कॉल करते हो। आपको पता है ना आज तक कैसे मेथड कॉल करते हो, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, तो जो भी यूज़र इनपुट करेगा वो किसके अंदर आ जाएगा, स्ट्रिंग नेम के अंदर, और बाद में हम उसको प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अब मैं इसको रन करा के दिखाती हूँ, मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करती हूँ। अब कमांड प्रॉम्प्ट में आप देख सकते हो, अगर हमें बाहर निकलना होता है तो मैंने आज तक आपको बताया cd डॉट डॉट, तो आप एक एक फोल्डर वाइज बाहर निकलते हो, एक साथ बाहर निकलना है तो cd बैक स्लैश, आप एक बार cd में पहुँच जाओगे, ठीक है, cd और फिर जावा अंडरस्कोर लर्न, हम एंटर कर देंगे। आप देख सकते हो जावा सी स्कैनर टेस्ट डॉट जावा, जावा स्कैनर टेस्ट, एंटर योर नेम, मैंने अपना नेम इनपुट किया तो क्या आ गया, योर नेम इज राखी, समझ में आ गया। तो ये कैसा प्रोग्राम हो गया, यूज़र इनपुट, अभी तक हमने एक भी प्रोग्राम यूज़र इनपुट नहीं किया था, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। अब आप बोलोगे, अब देखो हम, अब आप बोलोगे मैम ऐसे तो हम न्यूमेरिक डिजिट भी ले सकते हैं, लेकिन आप जो भी कुछ इनपुट करते हो वो क्या होता है, अगर नेक्स्ट के अंदर इनपुट करोगे वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होता है, अगर हमें इंटीजर वैल्यू इनपुट करनी है तो उसके लिए मेथड हमारा दूसरा है, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमें एक स्ट्रिंग इनपुट करना है, अब मैं आपको बताऊँगी कि हमें इंटीजर वैल्यू इनपुट करनी है। तो एक प्रोग्राम तो ये हो गया, मैं एक सेपरेट फाइल ले लेती हूँ, न्यू अगेन इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, फिर क्लास, क्लास का नाम क्या रखेंगे, स्कैनर टेस्ट, लास्ट क्लास का रखा था, यहाँ टेस्ट बंद कर दो, तो इतना तो सेम ही है, यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे स्ट्रिंग एरे, अब आप देख सकते हो यहाँ पे स्कैनर टेस्ट, आप देखो यहाँ पे कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा, प्री डिफाइंड, इसी क्लास का आएगा, ठीक है। तो हम स्कैनर sc ऑब्जेक्ट का नाम तो बदल सकते हो, मैंने पहले ओबीजे लिया था इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, लेकिन बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, सिस्टम डॉट इन, अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पर
अब हमें इंटीजर वैल्यू लेनी है यूज़र से, तो हम मैसेज क्या देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पर मैं लिखूँगी एंटर एंटर अ नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीजर एक्स। अब ध्यान रखना है आपको, अगर आपको इंटीजर लेना है तो मेथड नेक्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो स्ट्रिंग ही ट्रीट होगा। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नेक्स्ट इंट, इंटीजर के लिए मेथड होता है नेक्स्ट इंट। फिर अगेन हम दूसरी लाइन लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एंटर अ नंबर, फिर इंट y इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये हो गया। अब दोनों का क्या करेंगे हम, इंट z इक्वल्स टू x प्लस y, दोनों को ऐड कर देंगे। अब मुझे इसको प्रिंट कराना है, अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पर मैं लिखूँगी सम इज प्लस z, कंट्रोल s स्कैनर टेस्ट वन डॉट जावा, यहाँ पे ऑल फाइल्स सेव कर देंगे। जावा सी स्कैनर टेस्ट वन डॉट जावा, जावा स्कैनर टेस्ट वन, एंटर ए नंबर, आपने दिया 24, आपने दिया 56, क्या गया 80। तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। ये कैसा प्रोग्राम है, यूज़र इनपुट, ये कैसा प्रोग्राम है आपका, यूज़र इनपुट, ठीक है। इसको एक बार और समझ लेते हैं, सबसे पहले क्लास बनाएंगे स्कैनर टेस्ट वन, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट इन, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंटर ए नंबर, फिर इंट एक्स। अगर आपको इंटीजर वैल्यू इनपुट करनी है तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे आप, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अगर आपको नॉर्मल स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करनी है तो आप लिखोगे खाली एस सी डॉट नेक्स्ट, ये आपको याद रखना है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंटर ए नंबर इंट वाई एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, फिर इंटीजर जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, फिर सम प्रिंट कर देंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे, और आपने आउटपुट देख ही लिया। दोबारा भी इसको रन करा सकते हो, दोबारा नंबर दे दिए 43, फिर दे दिया 23, सम इज 66। तो कैसे भी आप यूज इनपुट सम सबसेक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड, अब आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप खुद से अप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना सबसेक्शन करना, तभी आपको आएगा। जब तक आप इस पे बेस दो तीन क्वेश्चंस नहीं करोगे, आप करके देखो ये चीज़। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये तो थे हमारे दो प्रोग्राम, अब और प्रोग्राम कर लेते हैं। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। अब हमने क्लास बनाई स्कैनर टेस्ट टू नाम से, इसके अंदर आ गया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, अब मुझे यूजर से कुछ इनपुट कराना है तो स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे ओबीजे इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, इसके अंदर क्या पास करेंगे सिस्टम डॉट इन, उसके बाद अब आपको यूजर से कोई नंबर इनपुट कराना है, ठीक है, तो आप डालोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आप यहाँ पे लिखोगे एंटर अ नंबर, आपको पता है नंबर को कैसे इनपुट कराना है, फिर आप यहाँ पे लिखोगे इंट एक्स इक्वल्स टू ओ बी जे जो ऑब्जेक्ट बनाए डॉट नेक्स्ट इंट, सिंपल है। अब मैं आपको बता रही हूँ इफ एल्स करना, इफ लिया, इफ में आपने लिखा एक्स ग्रेटर देन इक्वल 10, इफ कंडीशन लगा दी, यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर इज ग्रेटर देन 10, एल्स देखो इफ लगा दिया। अब इसको सेव कर लेते हैं, सेव कैसे करेंगे इसको, स्कैनर टेस्ट
टू डॉट जावा, यहाँ पे करेंगे ऑल फाइल्स जावा सी स्कैनर टेस्ट टू डॉट जावा, जावा स्कैनर टेस्ट टू, एंटर ए नंबर 23, नंबर इज ग्रेटर देन 10। तो ये इफ़ लगा दिया, मतलब मैंने एक प्रोग्राम इफ़ का करके दिखा दिया यूज़र इनपुट में ही। अब आपको इफ़ लगा दिया, अगर आप इसी प्रोग्राम में गलत कंडीशन दोगे, मतलब आपने दिया 3, तो कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि इफ़ ही लगाया है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एस लगा सकते हो। यहाँ पे हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर इज लेस देन 10। एंटर नंबर 3 दे दोगे तो क्या आ जाएगा, नंबर इज लेस देन 10। तो इस तरीके से करना है, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, फिर क्लास स्कैनर टेस्ट टू, फिर मेन, फिर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर यूजर से इनपुट कराएंगे। मतलब यहाँ से आपको यूजर इनपुट ही समझना है बेसिकली। अब मैंने आपको इफ़ का एक प्रोग्राम बता दिया, इफ़ कंडीशन लगा दी एक्स ग्रेटर देन इक्वल 10, तो आपने चेक कर लिया, अदरवाइज एस लगा दिया। अब यहाँ पर चाहो तो इक्वल टू हटा दो, अब इसको दोबारा करके देख सकते हो। देख सकते हो अगर कोई 10 देगा तो आपको गैस करना है क्या आउटपुट आएगा। फर्स्ट वाली कंडीशन है ग्रेटर देन 10, तो इसके अंदर जाएगा नहीं, तो किस में चला जाएगा, लेस देन वाले में, हालांकि जो कि गलत है। किस में जाएगा, नंबर इज लेस देन 10। तो उसके लिए यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो एल्स इफ एक्स इक्वल इक्वल 10, यहाँ आप सेपरेटली चेक कर लो। क्या चेक किया आपने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर लगा दिया नंबर इज इक्वल टू 10, नंबर इज इक्वल टू 10, बस 10 दोगे तो आ जाएगा नंबर इज इक्वल टू 10। यानी कि मल्टीपल कंडीशन लगानी है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, एल्स इफ, एक लगानी है तो इफ, दो लगानी है तो इफ एल्स, और अगर मोर देन टू लगानी है तो एल्स इफ। इस तरीके से आप बहुत सारे प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने इफ एल्स बता दिया, अब मैं एक और नेक्स्ट बता देती हूँ, इम्पोर्ट जावा डॉट, मैं सारे टॉपिक की आपको एक एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, स्कैनर, फिर हम क्या करेंगे क्लास स्कैनर टेस्ट 3, फिर अगेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, अब क्या करना है, अगेन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, यहाँ पे सिस्टम डॉट इन, उसके बाद अब यहाँ पे हमें क्या करना है वो थोड़ा समझने वाली बात है। अब सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं स्विच यूज करके दिखा रही हूँ आपको, तो स्विच के लिए भी यूजर से इनपुट लेना है, तो इंट एक्स इक्वल्स टू एस सी डॉट, आपको बताइए इंटीजर लेने के लिए क्या यूज़ करते हैं, नेक्स्ट इंट। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको यूज़र को एक मैसेज देना पड़ेगा, यहाँ आपने राइट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एंटर अ नंबर लिख लिया, फिर यहाँ लगा दिया स्विच, स्विच स्विच के अंदर पास कर देंगे एक्स। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे हम लिखेंगे केस 1, यहाँ लगा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ लिख सकते हो आप कुछ भी मैसेज, यहाँ जैसे आपने लिख दिया सपोज हेलो, फिर लगा देंगे केस 2 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ लिख दिया हमने हाउ आर यू, फिर लगा देंगे केस 3 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ लगा देंगे फाइन। अब
यहाँ लगाएंगे डिफॉल्ट, यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ हम लिख देंगे बाय। ठीक है, अब आपको ध्यान से समझना है, यूज़र अगर वन देगा तो प्रिंट हो जाएगा हेलो, टू देगा तो हाउ आर यू। अब देखते हैं इसको, स्कैनर टेस्ट थ्री डॉट जावा, यहाँ पर कर देंगे ऑल फाइल्स और सेव कर देंगे, और आप देख सकते हो जावा सी स्कैनर टेस्ट थ्री डॉट जावा, जावा स्कैनर टेस्ट थ्री, नंबर दिया हमने यूज़र वन दिया तो क्या प्रिंट हो गया हेलो हाउ आर यू फाइन हो भाई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो क्या करेगा, अगर जो केस मैच होगा, अगर ब्रेक नहीं मिलेगा तो वो सारे प्रिंट कर देगा। अब अगर मैं दोबारा रन करा के दिखाती हूँ, मैं देती हूँ थ्री तो वन और टू प्रिंट नहीं करेगा, फाइन और बाय करेगा, ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, तो क्या करेगा वो, फाइन और बाय। तो आपको यही बात समझनी है, आप जैसी वैल्यू दोगे यूज़र उसके अकॉर्डिंग करेगा। लेकिन अगर एक बार केस मैच हो गया, जैसे वन मैच हो गया था पहले, तो हेलो भी प्रिंट करेगा, हाउ आर यू भी, फाइन भी और बाय भी। अब यहाँ पे आपने थ्री दिया था तो क्या करेगा, फाइन और बाय, वन और टू नहीं, जो मैच करेगा उसके बाद के सारे करेगा। लेकिन आप चाहते हो सारे ना करें, उसके लिए आप एक स्टेटमेंट होता है ब्रेक, वो वहाँ से ब्रेक कर देगा। इस तरीके से हम कर देंगे और उसको कंपाइल करा देंगे। अब आप देख सकते हो, आप वन दोगे तो सारे नहीं करेगा हेलो करेगा, थ्री दोगे तो सिर्फ फाइन करेगा। समझ में आ गया, ब्रेक में क्या करता है, वो सारे ब्रेक कर देता है। तो ये तो था स्विच से रिलेटेड। अब मैं आपको लूप का और क्वेश्चन बता देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्लास, क्लास का नाम रख लेंगे स्कैनर और टेस्ट फोर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, या आप ऑलरेडी कर चुके हो बट स्कैनर क्लास के थ्रू अभी कर रहे हो, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब क्या करना है, स्कैनर, अब हाँ इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, अब यहाँ पे लिखेंगे इंट एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, देखो मैंने इफ एल्स रिलेटेड लूप से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उसको पहले देख लेना, वो थर्ड नंबर का वीडियो है या फोर्थ नंबर का, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, तो ये फिर आपको समझ आ जाएगा। ये यूज़र इनपुट है, अब हमने यूज़र इनपुट तो करा लिया, अब हम चाहते हैं जो हमने इनपुट कराया हम उसकी टेबल प्रिंट करें फॉर लूप के थ्रू, तो आपको फॉर लूप आना चाहिए। तो मैंने ले लिया इंट आई, एक वेरिएबल ले लिया, अब यहाँ पे लिख दिया फॉर आई इक्वल्स टू वन, आई लेस देन इक्वल टेन, आई प्लस प्लस। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लूँगी इंट टी इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई एक्स बस, और फिर प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे क्या टी, कंट्रोल एस स्कैनर टेस्ट फोर जंप ऑल फाइव्स। स्कैनर टेस्ट, अब देखो हमने यूजर से कहा ही नहीं एक नंबर इनपुट करो, मैंने फोर करा दिया, अब देख सकते हो फोर की पूरी टेबल प्रिंट हो गई, फोर टू टाइम्स आ रहा है, लेकिन वो एक तो यूजर इनपुट है। मैं दोबारा दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको एक मैसेज देना चाहिए था सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैसेज क्या आएगा, एंटर और नंबर, ठीक है। दोबारा गलती से कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज हो गया, तो इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी डी बैक स्लैश सी डी जावा अंडरस्कोर लर्न जावा सी स्कैनर टेस्ट फोर डॉट जावा जावा स्कैनर टेस्ट फोर आपने दे दिया मान लो 5, तो देख सकते हो 5 की पूरी टेबल आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़र इनपुट हमने लेना सीख लिया। मैंने लूप में भी बता दिया आपको, इफ एल्स में भी बता दिया, स्विच में भी बता दिया। बाकी इफ एल्स कैसे करना है, स्विच कैसे करना है, लूप मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पूरा बता चुकी हूँ, बट आज मैंने बताया था यूज़र इनपुट। अब जावा में इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, इनकी बहुत सारे असाइनमेंट, तो मैं इसके लिए असाइनमेंट्स के लिए अलग वीडियोज़ डालूंगी हर क्वेश्चन के, क्योंकि ऐसे तो एक प्रोग्राम में या एक वीडियो में नहीं आ सकता सारा, तो मैं असाइनमेंट के लिए एक सेपरेट वो बनाऊंगी जिसमें सारे असाइनमेंट जावा पर रिलेटेड डालूंगी। तो ये वीडियो इतना ही रखते हैं, इसमें बेसिकली हमने यूज़र इनपुट सीखा।